एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। किस तरह से अर्जेंटाइन में बांग्लादेश के फ्लैग्स की एक बहुत बड़े स्टॉल लगे हुए हैं गली गली, जी हां स्ट्रीट में। और इसको लेकर एक दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कुछ वीडियोस मुझे मिली हैं व्हाट्सएप पे, किस तरह से बांग्लादेशी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, अर्जेंटाइन को लेकर के उसकी टीम को फाइनल में जीते। मैसी के बहुत बड़े फैन हैं, मैं उनका नाम भी आपको बताने जा रहा हूं और उनकी मैं वीडियो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। यही वजह है कि मैसी और मैसी की वाइफ और उनकी टीम, उनकी फीफा फेडरेशन और तमाम लोग अब बांग्लादेश की तारीफें कर रहे हैं। यही वजह है कि एम्बेसी ओपन कर दी गई है ढाका में, क्योंकि बांग्लादेशी प्यार बहुत दे रहे हैं अर्जेंटाइन को और ऐसा ही समझ रहे हैं जैसे बांग्लादेश की टीम ही वर्ल्ड कप खेल रही है, यानी मैसी बांग्लादेश के हैं। जी हां, यह साबित कर दिया है एक ओवरसीज बांग्लादेशी ने जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, जिनका नाम इब्राहिम खलील है। उनकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, किस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, एक वीडियो और भी है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है कि अर्जेंटाइन की स्ट्रीट में किस तरह से बांग्लादेश के जो फ्लैग्स हैं उनकी किस तरह से आए रोज डिमांड बढ़ती जा रही है। और इब्राहिम खलील की एक और स्टोरी भी मैंने आपके सामने रखनी है कि वो कब से अर्जेंटाइन को लाइक करते हैं और कब से क्या कुछ उन्होंने देखा है, वो स्टोरी सारी वो मैंने आपको बतानी है। और 3 दिन से वो लगातार सो ही नहीं रहे, वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप का फाइनल अर्जेंटाइन ही जीते। उनको कहीं ना कहीं खौफ है, उनको कहीं ना कहीं डर है कि कभी इस बार भी मैसी फाइनल यानी कप जीते बगैर ही ना चला जाए। ये अमेजिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। जब आप आखिर तक वीडियो को देखेंगे फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। मैं हम इसके ऊपर बात करेंगे, रिएक्शन भी देंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम जनाब वीडियो देख लेते हैं इब्राहिम खलील जो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं और बांग्लादेशी हैं, उनकी एक सेलिब्रेशन की वीडियो हमारे पास मौजूद है, वो देखते हैं किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले जब सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने बांग्लादेशी हुआ ना अर्जेंटाइन, सॉरी वैसे कहनी नहीं चाहिए, अर्जेंटाइन ने सेमीफाइनल में हराया क्रोशिया को और चला गया फाइनल में, किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है ये वीडियो देखेंगे। और इब्राहिम खलील इसके बारे में और क्या कुछ कहते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। बाहर से लगता कुछ चीज बनेगा, ये वीडियो देखी है ना व्यूअर्स आपने, कितनी अमेजिंग थी यार। और एक और वीडियो है इन्हीं की, वो भी हम देखते हैं। ये देखें और ये देखें और शर्ट पहनी हुई है। ओ क्या स्टाइल है यार, अच्छा सही। ये कितने प्यार कर रहे हैं यार। अच्छा ये तो आपने इनकी दो वीडियो देखी है, कुछ हम इनकी विजुअल्स भी चलाएंगे, तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन अब व्यूअर्स मैं आपको लिए चलता हूं एक और वीडियो की तरफ जो अर्जेंटाइन के लोग भी प्यार दे रहे हैं बांग्लादेश को। जी हां, उनकी स्ट्रीट में जो झंडे हैं वो किस तरह से सेल हो रहे हैं, किस तरह से अर्जेंटाइन के लोग बांग्लादेश के झंडे परचेज कर रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो देखेंगे आप कहेंगे यार
मजा आ गया, मजा आ गया, ये भी वीडियो देख लें। फिर हम बताएंगे इब्राहिम खलील के बारे में कि वो कितने इंतजार में है कि वर्ल्ड कप ये जीते अर्जेंटाइन। चले जी पहले ये वीडियो देख लेते हैं, ये देखें जी। अर्जेंटीना जीते गेले नाना रंगे ढंगे उल्लास करें भक्तरा। सामाजिक जोगाजोग माध्यमेर कल्याणे समर्थकदेर ई उल्लासेर खबर लातिन अमेरिकार देशटीर मानुषदेर काछेओ पौंछे गेछे। ताई तो म्याराडोना मेसिर देशे एखन लाल सबुजेर पताका उठछे। आर्जेंटाइनदेर मुखे एखन बांग्लादेशेरई नाम। पथे घाटे आलोचना चलछे बांग्लादेशके निये। আর্জেন্টাইন সাংবাদিক গাস্তন এদুলের ফেসবুক ওয়ালের এই ভিডিওতে দেখা গেছে তাদের জার্সিতেও বাংলাদেশেরই নাম। আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা বাংলাদেশ বাংলাদেশ। এমনকি মেসিদের কোচ গর্বিত বাংলাদেশে এত এত আর্জেন্টিনা ভক্ত দেখে, এজন্য তিনি বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাতে ভুল করেননি। এছাড়াও সম্প্রতি বাংলাদেশি ফুটবল প্রেমীদের ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে মেসির হাতে বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে একটি ছবি টুইট করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। শুধু আর্জেন্টিনাই নয়, বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফাও বাংলাদেশে মেসির গোল উদযাপনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেছে। বাংলাদেশি আর্জেন্টিনা ফুটবল ভক্তরা অনেক সময় ট্রলেরও শিকার হন, কারণ এই ভালোবাসার খবর এত দূরের দেশের লোকেরা জানবেই বা কি করে। কিন্তু নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যে কখনো বৃথা যায় না, যার কারণে সেই ভালোবাসারই প্রতিদান পেল বাংলাদেশি ভক্তরা। तो व्यूअर्स आपने ये भी वीडियो देखी है, बहुत ही शानदार ये वीडियो थी। किस तरह से इसमें देखा कि बांग्लादेश का भी फ्लैग है, अर्जेंटाइन का भी फ्लैग है और सेल हो रहे हैं, और इस तरह से अगर बांग्लादेशी प्यार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ जनाब अर्जेंटाइन के लोग भी बांग्लादेशियों के साथ प्यार कर रहे हैं। तो अब चलते हैं जी, वो स्टोरी मैं आपको सुना देता हूं इब्राहिम खलील की, जिसकी सबसे पहले मैंने वीडियो चलाई दिखाई, जो बांग्लादेशी ओवरसीज हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो मैं आपके सामने उनकी कुछ चीजें रख देता हूं कि बड़े डाई हार्ट फैन है वो अर्जेंटाइन के को लेकर के। वो 1998 में भी वो उन्होंने मैच देखते आए हैं, यानी 1998 से वो अर्जेंटाइन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेसी को मैं देखना चाहता हूं कि हाथ में वो कप उठाए, वर्ल्ड कप ले और फिर वो अर्जेंटाइन में वापस जाए। ये वो कहते हैं कि मेरा ड्रीम है, ये ख्वाब है। लेकिन वो कहते हैं कि डर है, क्योंकि 2014 में, 2010 में और फिर 2002 में, इसी तरह 6 में बांग्लादेश जो अर्जेंटाइन है, बांग्लादेश में इसलिए कहता हूं कि वो अर्जेंटाइन ही है, अब बांग्लादेश एक ही चीज है, तो अर्जेंटीना हार गया था, इसी तरह 2018 में भी हार गया था। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो मानना है, कभी इस बार भी ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो, वो ये कह रहे हैं। लेकिन उनको डर भी है, इसीलिए वो रात को सोते नहीं है। वो बता रहे हैं कि 3 दिन से उसको नींद ही नहीं आ रही इब्राहिम को, और वो इस खौफ में है, और खुशी भी है कि मेरी टीम पहुंच गई है फाइनल में। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम अब फाइनल में जाए, फाइनल जीते, फिर मैसी हाथ में कप उठाए। बड़े डाई हार्ट फैन है। ये तस्वीरें भी आप उनकी देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखें जी इब्राहिम खलील की, किस तरह से जनाब मैसी के साथ लव करते हैं, और साथ ही साथ कुमेलिया विक्टोरियंस जो बीपीएल की एक फ्रेंचाइज है, टीम है, उसको भी ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। असल में ये ठीक से स्पोर्टमैनशिप का मुजाहरा कर रहे हैं, खेल को फरोग दे रहे हैं, खेलों के साथ प्यार करते हैं, तो बड़ी बात होती है जी, और साथ ही साथ अर्जेंटाइन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये वीडियो कैसी लगी है और इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक एहसान खान को इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।